नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे भूगोल से संबंधित। आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स थे। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रूम में थे। तो अभी तक हम लोग 200 के करीब आपके क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं। 201 से हमें बात करनी थी। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। 201वां क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? तो ये थे आपके हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, सदाबहार वन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? जो सदाबहार वर्षा वन है आपके, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता देना है ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन था आपका तीसरा, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा चार, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? सामान्यतः आपकी त्रिभुजाकार की होती है डेल्टा की आकृति, ठीक है। क्वेश्चन है पांच, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है? तो आपको यह मिसिसिपी जो नदी है, यह आपकी पंजाकार डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन है हमारा छठवा, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है, चिड़िया के पंख जैसा होता है? तो याद रखना है आपको, मिसिसिपी नदी का डेल्टा आपकी चिड़िया होती है, उसके पंख जैसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा सातवां, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा होता है। कैसा? चापाकार, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा आठ, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना की जाती है? तो ये है आपका डेल्टा। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा नौ, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर है? हनोई। कौन सा? हनोई, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा दस, आई सोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आई सोहेल रेखाओं द्वारा आपका समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, सॉरी ग्यारह, दस के बाद ग्यारह ही आएगा ना। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो जाती हैं, समूह क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। ग्यारह में आपका बी होगा। क्वेश्चन है आपका बारह, क्या है बारह क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन एक भू आविष्टित देश है? तो ये आपका युगांडा। युगांडा आपका भू आविष्टित देश है। क्वेश्चन है तेरह, निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो जो आपका तजाकिस्तान है, या आपका स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका चौदह, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है? दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है आपका थाईलैंड। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका पंद्रह, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलबद्ध रुद्ध देश है? तो जो आपका गेबोन है, यह आपका स्थलबद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश है, ठीक। पंद्रह में ए। क्वेश्चन है सोलह, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश एक स्थल रुद्ध देश नहीं है?
तो आपका म्यांमार स्थलरुद्ध देश नहीं है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, स्विट्जरलैंड है, लेकिन जो आपका म्यांमार है ये आपका स्थलरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 17। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। तो इसमें आपका पेरू एक स्थलरुद्ध देश है। क्वेश्चन है हमारा 18। क्या है क्वेश्चन है 18? मसावा बंदरगाह किस देश में बसते थे? तो ये आपका इरिटिया, बी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन है हमारा 19। अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो ये आपका सिकंदरिया। क्वेश्चन है 20। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट का के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह आपका यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका रोटरडम बंदरगाह को हम लोग यूरोपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से किसे पांच सागरों का पतन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पांच सागरों का पतन कहा जाता है? तो ये आपका मास्को, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 22। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है? तो यह है आपका नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है आपका 23। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो यह आपका याकोहामा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार को वनों का केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं? तो इसमें होगा आपका समशीतोष्ण कौणधारी वन। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका बी सही होगा। जो आपके समशीतोष्ण कौणधारी वन है ये आपकी केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा 25। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कौणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे टेगा कौणधारी वन के नाम से जाना जाता है, टेगा वन। क्वेश्चन है हमारा 26। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? जो शंकुधारी वन है आपके ये आपके पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। 26 में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है आपका 27। डेल वर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये है आपकी सीसम से। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 28। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? जो आपकी भूमध्य रेखा है इसके निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं उष्णकटिबंधीय वन। किस तरह के उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन है आपका 29 यानी कि 29। किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? जो आपका दक्षिण अफ्रीका है इसे चारागाह का बेल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा 30। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो ये आपकी लानोज होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा अगला 31। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? निम्नलिखित में से
कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो बेल्ट है आपकी, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 32। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? फेरी। इस तरह के क्वेश्चंस पता है बहुत पूछे जाते हैं, और UPPCS में आपके बहुत हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, इस तरह का। तो ये है आपका पेरी। क्वेश्चन है हमारा 33। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो ये होती है आपकी मानसूनी प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 34। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो आपके मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 35। रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो जो आपका विषुवतीय प्रदेश है इसमें आपकी रोपण कृषि की जाती है। क्वेश्चन है हमारा 36। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है? मानसूनी प्रदेश में जो निवासी रहते हैं उनका मुख्य जीवन का मुख्य आधार है कृषि। क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 37। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? टुंडा प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 38। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो यह आपका टुंडा प्रदेश। क्वेश्चन है हमारा 39। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो यह आपका टुंड्रा प्रदेश। क्वेश्चन है हमारा 40। पेनगिव पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो यह आपका टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 41। क्या है? व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 42। बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में? बागानी कृषि व्यापक है आपकी कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन है हमारा 43। कुछ बास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका रूस में। क्वेश्चन है आपका 44। रूस बेसिन कोयला उत्पादक देश किस देश में अवस्थित है? तो यह आपका जर्मनी में। क्वेश्चन है हमारा 45। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? ढाका आपका मलमल के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन है हमारा 46। व्यूनस आयर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है आपका। ये सभी देश हम लोगों ने मैप्स का जो आपका पैटर्न चलाया है, जो आपका पार्ट रहा है, उसमें बेहतर समझाया गया है। तो अगर आप लोग भूगोल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका क्वेश्चंस कोई भी गलत ना हो, तो मैप्स वाला पार्ट ज़रूर देखिए पूरा। ठीक है, पूरा आपका विश्व का पार्ट, उसी में आपका भारत भी सम्मिलित किया गया है। ये सभी लेक्चर आपको मैप्स के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में पढ़े हुए हैं।
ठीक है, लेक्चर बहुत ही साधारण शब्दों में समझाए गए हैं आपको वहाँ, ठीक है, मैप्स के साथ बाकायदा आपकी मानचित्र को दिखाते हुए। क्वेश्चन है हमारा 47, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिक देश है? तो यह आपका सिंगापुर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 48, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण नदी है? यह है आपकी राइन नदी। क्या है? राइन नदी, ठीक है। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त नदी है महत्वपूर्ण राइन नदी। क्वेश्चन है हमारा 49, क्या है क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये हुआ है आपका यूरोप में, 49 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 50, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये आपका शुक्र, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 51, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है शुक्र, क्या है शुक्र। क्वेश्चन है हमारा 52, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो याद रखिए शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को सुबह का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा 53, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को आपका सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा 54, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है आपका शुक्र, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 55, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो ये होती है आपकी जुलाई में, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 56, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, और सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है आपकी 3 जनवरी को, अधिकतम होती है 4 जुलाई और न्यूनतम होती है 3 जनवरी को। क्वेश्चन है आपका 58, पृथ्वी को उनके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? अप्स, क्या कहते हैं? गोल्डन, 58 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 59, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो यह आपका अपसौर के दौरान, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 60, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो ये थी आपकी अरिस्टोटल ने, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 61, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, पृथ्वी की धुरी आपकी झुकी हुई है। क्वेश्चन है हमारा 62, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हैं? तो यह है आपका मंगल, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 63, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो यह आपका बृहस्पति। क्वेश्चन है हमारा 64, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ये आपका सूर्य। क्वेश्चन है हमारा 65, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो शनि के। क्वेश्चन है हमारा
शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो याद रखिए अभी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? अब याद रखिए 82 हो गए हैं। कितने? 82 उपग्रह हो चुके हैं। इसने बृहस्पति को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि बृहस्पति के आपके 69 उपग्रह। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहले कितने थे? इसमें 61 थे, पहले आपके 61 थे, लेकिन अब 82 हो गए। क्वेश्चन है हमारा 67। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 10। क्वेश्चन हमारा अगला 68। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो ये आपका शनि ग्रह। क्वेश्चन है हमारा 69। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। क्वेश्चन है हमारा 70। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो आपका जो यूरेनस है, ये आपका सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ होता है। क्वेश्चन है हमारा 71। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। क्वेश्चन है हमारा, इनकी खोज होती रहती है, तो याद रखिए करंट अफेयर से अपडेट रहिए, इनका कंप्लीट आपको नॉलेज बना रहेगा। सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन है? तो आपका नेपट्यून। क्वेश्चन है हमारा 73। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो यह कहलाता है चंद्रमा। मैं आपको एक जानकारी दे दें यहाँ कि जीएस का जो पार्ट है, फिर चाहे आपका जीएस हो चाहे जीके, प्लस करेंट अफेयर्स, प्लस जो भी कंप्यूटर हो, फिर चाहे आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान हो, आईएएस पीसीएस, यूपीपीसीएस हो चाहे एमपीपीएससी, सभी के अनसोल्ड पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपको, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो छूटा हुआ आपका। ठीक है, सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, आपका बिल्कुल निःशुल्क है। तो एडजस्ट करिए, उसे देखिए, आपको जीएस का जो भी पार्ट रहता है, जहाँ भी कंप्यूटर साइंस हो या फिर करंट अफेयर्स हो, जो भी रहता है वो उससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोचिंग लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। ठीक है, मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि अगर मेरी वजह से, हो सकता है कि कई समझदार हों, कई बेहतर पढ़ने वाले हों, पढ़ाने वाले हों, अगर मेरी वजह से किसी एक को भी फ़ायदा मिलता है, लाभ होता है, तो मेरा उद्देश्य पूर्ण है। जिसके लिए मैंने एक कदम उठाया उतना मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि मेरी वजह से अगर एक इंसान की भी चेहरे पर खुशी आ रही है, तो मेरे लिए यही मेरी सेवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ कहाँ स्थित है? ये आपका चंद्रमा पर। क्वेश्चन है 75। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी चंद्रमा पर। क्वेश्चन है हमारा 76। कौन सा ग्रह हरे विकास को उत्सर्जित करता है? तो आपका ये वरुण है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 77। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो ये आपका शनि। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 78। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। क्वेश्चन है हमारा 79। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। जो शुक्र ग्रह है
इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्वेश्चन है 82, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। क्वेश्चन है हमारा 81, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। क्वेश्चन है हमारा 82, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गोरी, गौ, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 83, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी 83, यानी कि भूमध्य रेखा। क्वेश्चन है हमारा 84, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी देशांतर रेखा। और याद रखिए, आपकी जो भी PDF होती हैं जिस किसी भी लेक्चर की, वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है वो भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना का अंतर होता है? निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय स्थानीय समय में समय होता है नैनी का, ठीक है, नैनी इलाहाबाद के पास से आपकी मानक समय रेखा गुजरती है, इसी से आपका स्थानीय और प्रमाणिक समय माना जाता है। क्वेश्चन है हमारा 86, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? अग्नेय चट्टानों को। क्वेश्चन है हमारा 87, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अग्नेय चट्टान। क्वेश्चन है हमारा 88, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। क्वेश्चन है हमारा 89, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो यह आपकी अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन है हमारा 90, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये आपका प्राचीन संस्तरित चट्टानों में, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो चूना आपकी परतदार चट्टान है, क्वार्टजाइट नहीं है, इसमें क्या होगा? बी, सेल भी है आपकी और बलुका पत्थर भी है, तो आपका बी होगा, ठीक है 91 में। क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो नीस आपकी रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन है हमारा 93, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो ये आपकी संगमरमर कायांतरित सेल है। क्वेश्चन है हमारा 94, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को कहते हैं क्या कहते हैं? सुनामी। क्वेश्चन है 95, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जो सुनामी है ये किस भाषा का शब्द है? तो आपको बता देना है जापानी भाषा। क्वेश्चन है हमारा 96, एक मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिष्टी, ये आपका पेरू में है। क्वेश्चन है हमारा 97, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये आपका 30, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 98, पोर्ट बार
क्वार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह आपका पाकिस्तान में। क्वेश्चन है हमारा 99। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो आपका फ्राई जेम नहीं है, खमसेन है, सिराकू है, हरमट्टन है। क्वेश्चन है हमारा 30। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो यह आपकी 7। कितनी है? 7। ठीक है, तो ये थे आपके 300 तक अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। 301 से हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है।